गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जो हूं अभी पिथौरागढ़ पर हूं, पांडे जी के घर पे। तो झंडा तो हमने भी फहरा दिया है ऊपर, और अभी जो हमारी छोटी बिटिया है बेदो, वो आएगी, उसको पूरा तैयार कर रखा हमने। हमारी भाभी तैयार हो चुकी है, तो अभी देखते हैं कहाँ को जाना है। तो पूरे पूरे ड्रेस में है अपनी। तो अभी हम बेदू के घर पे हैं। क्यों भारत माता की जय है, भारत माता की जय, ऐसे कर, जय बोल, जय जय। निकल तो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं थोड़ा सा मार्केट को, तो देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन 15 अगस्त की छुट्टी होने की वजह से सारी मार्केट जो है बंद हुई पड़ी है। आज छुट्टी मना रहे हैं 15 अगस्त की। अभी हम कहाँ, नगर पालिका पार्किंग पे, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि जरा सा हम आगे हैं, नगर पालिका का ग्राउंड है। तो यहाँ पर 15 अगस्त के जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ज़रा देख करके आते हैं क्या है, कैसा है करके। तो इसके बाद ऐसे आप मार्केट घूमेंगे, आज 15 अगस्त की छुट्टी है। तो ये है, तो ये यहाँ पर जो हैं नेतागण, ये सांसद भी आए हुए हैं अजय टमटा जी, तो इनसे मिलने के लिए गए हैं पांडे जी। नेताओं का दिन है आज। तो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं अपने, जो पहाड़ी जो प्रोडक्ट हैं उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही हैं। और इस साथ में आप देख रहे होंगे ये सब स्टॉल हैं जहाँ पर आपको पहाड़ी जो आइटम्स हैं वो सब मिल जाएंगे, पहाड़ी प्रोडक्ट हैं वो मिल जाएंगे। तो ये लोग बड़े चाव से देखते हुए। और ये रहा अंदर प्रांगण, यहाँ पर अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, अभी तैयारी चल रही है। तो हम ज़रा घूमते हैं मार्केट। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए, और हम निकल गए हैं मार्केट को। ये देखिए, तो मार्केट में जहाँ देखो आज वहीं तिरंगे तिरंगे लहरा रहे हैं, खुशी का इजहार है। हम पहुँच गए हैं पार्किंग पे, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग बड़ी दूर है, नगर पालिका की पार्किंग है ये। अब हम थोड़ा सा मार्केट घूम करके आते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है मार्केट पे, फिर उसके बाद सीधे घर। तो ये हम पहुंच चुके हैं सिल्थाम चौराहा। तो हम ये ऊपर चंडाक वाली रोड को निकल चुके हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ध्वज है जो पूरे पिथौरागढ़ से दिखाई देता है। तो हम वहीं आज वहीं जाकर के बैठेंगे थोड़ी देर। तो बने रहिएगा वीडियो पे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, ये पहुँच चुके हैं हम चंडाक रोड। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पर, और आप देख रहे होंगे तो अभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा, जो ऊपर जो टेम्पल है यहाँ से, तो वो 5-6 किलोमीटर रह करके पूरा वो इसमें बता रखा है। तो अभी तो जाएंगे नहीं, कल जाएंगे वहाँ को, देखते हैं। ये छोटे से पार्क भी है यहाँ पर, जिससे अपना एक्टिविटीज बच्चे करते रहते हैं। और यहाँ से ऊपर एक छोटा सा टावर बना रखा है, इस टावर में चढ़ करके आप पूरे यहाँ से पिथौरागढ़ का नज़ारा ले सकते हैं। तो हम भी चलते हैं ऊपर,
टावर पे। तो फ्रेंड्स अब मैं भी ऊपर जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ। तो ये बिल्कुल ऊपर टॉप में चढ़ गया हूँ मैं, तो यहाँ से मैं भी, हम भी तो देखें ज़रा पिथौरागढ़ दिखता कैसा है। ये है साहब पिथौरागढ़ की जो शहर है ये पिथौरागढ़। वाह मज़ा आ गया गुरु, पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से आपको साफ दिखाई देगा, ये हसीन वादियाँ। तो अभी मैं हूँ चंडाग रोड पे, सबसे टॉप पे, जहाँ से पिथौरागढ़ पूरा दिखाई देता है। ये देखिए, ये मज़े लीजिए साहब प्रकृति के। लोग भी पहुँच चुके हैं, ध्वज है, ध्वज के सामने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं। भारत माता की जय नारों के साथ। ये रहा हमारा जो पूरे पिथौरागढ़ शहर से दिखाई देता है। जय हिंद, काफी ऊंचा ध्वज है। जो पिथौरागढ़ का जो चंडाग रोड है अभी हम वहाँ पर हैं, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी मतलब जोश के साथ यहाँ पर तिरंगे के नीचे लोग अपने खुशी का इजहार करते हुए और देशभक्ति गीत गाते हुए और साथ में देशभक्ति के गीत भी जय श्री राम के नारे लगाते जय श्री राम के नारे लगाते हुए। तो फ्रेंड्स अब हम भी निकलते हैं घर को। जय हिंद जय भारत। तो ये मार्केट को जा रहे हैं। ये हैं हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, अब हम भी निकलते हैं घर को। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।